हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम एकेडमी, हाउ ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। आज हम कैपेसिटर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग थ्योरी पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं, शॉर्ट थ्योरी, मतलब थ्योरी को शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्ट इसका जो प्रॉब्लम है उसमें जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है, यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस। डोंट लेट इट स्टॉप यू, फेलियर बिल्ड्स योर कैरेक्टर। देखो, फेलियर होता है, बट इसका मतलब मान लो तुम फिजिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर पाया, दो बार ट्राई किया बट सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं तुम फिर सोचने लगा मैं फेलियर हूँ, मैं सक्सेस मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो फेलियर देखकर फेल होकर भागना नहीं है, क्या करना है, फेलियर होकर भागना नहीं है, फेलियर होने से डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, फेलियर से मत डरो। ठीक है, फेलियर से मत डरो, बट फेलियर होने के पीछे रीज़न होता है। ठीक है, वो रीज़न को देखो, फेलियर होने के पीछे एक रीज़न होता है, वो रीज़न को देखो। ठीक है, तब तुम्हारा जो OFG है यानी कि जादवपुर में एडमिशन वो क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। पहले कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट एलिमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इसका मेन जो काम है, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, और टू कंडक्टर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी इंसुलेटिंग मटेरियल फ्रॉम कैपेसिटर। ओके, तो फिर इसका जो ये जो मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। यानी कि मान लो ये कैपेसिटर है, इसके बीच में मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसको यहाँ पर एयर हो सकता है और कुछ भी, और कोई भी मीडियम हो सकता है, जब पर मैं रेड कलर किया है। ठीक है, तो ए डिवाइस डिजाइन टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ डेफिनेट टू और कंट्रोलेबल वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटर। ओके, सो फर्स्ट आते हैं हम लोग एक नंबर में, क्या है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज एबिलिटी फॉर ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट है, वाई, बिकॉज ये चार्ज होल्ड करता है, चार्ज को रोक देता है, यानी कि और इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो मतलब और यहाँ पर होल्ड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों को होल्ड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो C=Q/V ये पर मेन फार्मूला है। ओके, कैपेसिटेंस का मेन फार्मूला C=Q/V, और यहाँ पर सी डज नॉट डिपेंड ऑन Q and V। तो तुम लोग सोचने लगोगे तो भाई, तुम लोग भी काफ़ी बार बोलते हो आई डोंट डिपेंड ऑन समवन XYZ, बट यहाँ पर जो सेकेंड लाइन दिखाई दे रहे, ये देख रहे हो क्या लिखा है, इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल। ओके, यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बोला था मॉलिक्यूल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिट फैराड है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टू नंबर में, कैपेसिटेंस इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर C=4πε0 × r। सो r क्या है, r यहाँ पर रेजिस्टेंस है एंड
सी तो कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस एंड आर तो कौन रेडियस है, एंड एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻¹² फेराड पर मीटर, और यहाँ पर जो 4 × 5 पाई का वैल्यू क्या है, पाई यानी कि 3.14 × 8.85 × 10⁻¹², इसका वैल्यू क्या होगा, 1/9 × 10⁻¹, ये इंटू यहाँ पर आर यानी कि ये वैल्यू r/9 × 10⁻¹² ये होगा। ओके सो इसके बाद आते हैं एनर्जी, तीन नंबर में एनर्जी स्टोर इन ए स्फेरिकल कंडक्टर, u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर q इज इक्वल टू सी वी, ये तो हम लोग पहले स्लाइड में बोल दिया। तो यहाँ पर v क्या होगा, v इज इक्वल टू q/c होगा। ओके सो यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं q²/2c, एंड इसके बाद c इज इक्वल टू q/v है, सो q c इज इक्वल टू q/v, तो यहाँ पर पुट कर दो क्या होगा, नीचे q रहेगा एंड ऊपर q², तो ऊपर नीचे q कट जाएगा और q v/2 होगा। ओके तो यहाँ पर u क्या है, u तो पोटेंशियल एनर्जी है, c कैपेसिटेंस है, एंड q भी तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके बाद चार नंबर में क्या बोला है, एनर्जी इज़ वेरी लो ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बिकॉज एनर्जी इज़ नॉट बाउंडेड। ओके सो ये इसके बाद पाँच नंबर में क्या बोला है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d, एंड यहाँ पर जो है डी, इसके बीच में डिस्टेंस है डी, एंड ये जो दो प्लेट है तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, दो प्लेट इसका एरिया ऑफ ईच प्लेट है, ठीक है, एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, डी तो डिस्टेंस है। ओके सो यहाँ पर एक याद रखना, यहाँ पर जो डी है, डी लेस देन वेरी वेरी लेस देन ए। ओके अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग c इज़ इक्वल टू n-1 एप्सिलॉन नॉट a/d हो सकता है, यानी कि ये तुम लोग बोल सकते हो, यहाँ पर बोल देता हूँ, यहाँ पर पांच नंबर का जो है, तो यहाँ पर ठीक है, ये इन सिमिलर प्लेट ऑफ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड अल्टरनेट प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके तो द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज गिवन बाय c इज इक्वल टू n-1 ε₀ a/d। सो यहाँ पर ये दो मिलकर एक होगा, एक कैपेसिटेंस कैपेसिटर होगा, पैरेलल कैपेसिटर, ये दो मिलकर एक होगा। यहाँ से मान लो n नंबर ऑफ दिया हुआ है, तो ये n-1 हो जाएगा। ओके सो इसके बाद आते हैं सिक्स नंबर में, एनर्जी स्टोरेड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर c इज इक्वल टू ½ c² q²/2c एंड q v/2। ओके ये देख लेना, और ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी सेम, थ्री जो ये तीनों जो एक्सप्रेशन है वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी सात नंबर में एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड q = ε₀ a×r, ये भी याद रख लेना, ठीक है। फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये f = q²/2 ε₀ a होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन ए स्फेरिकल कैपेसिटर द आउटर सेल इस अर्थ, आउटर सेल इस अर्थ। ओके एंड आउटर सेल एंड इनर सेल इज गिवेन चार्ज प्लस क्यू। ओके एंड प्लस क्यू। ओके सो ये पर सो
यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंट स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई बी माइनस ए। ये क्या होगा, ये यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, ए जो इनर इनर जो स्फेरिकल है, अंदर जो है उसका रेडियस ए होगा, एंड बाहर का जो स्फेरिकल कैपेसिटर स्फेरिकल ऑफ आउटर सेल, इसका रेडियस क्या होगा, बी होगा। ओके, रेडियस बी होगा। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट तुम लोग ये जब लॉन्ग ईयर लॉन्ग कोर्स होगा तो तब तुम लोगों को बोल डिटेल्स में बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, इजी है ये, इजी है, ठीक है, कि बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी होगा। ओके, बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू जो स्फेरिकल है, ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा, तो बी तो यहाँ पर देन इसके बाद सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, और यहाँ पर क्यू क्यू ऊपर नीचे काट जाएगा, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैपेसिटर पर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये तुम लोग याद रख लेना, इस ये जो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कैपिटल एल बाई एल एन बी बाई ए। अच्छा, ये जो है ये पार यूनिट लेंथ के लिए 2 पाई, मान लो पार यूनिट लेंथ मतलब एल इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब 2 पाई कि यानी कि ये जो है ये यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन बाई लॉन ऑफ बी बाई ए होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले तुम लोगों भी ई जो है ई पार्ट, अच्छा यहाँ पर देखो, पहले ई तुम लोगों को निकल यहाँ पर देख लेना, ठीक है, ई क्या होगा। उसके बाद तुम लोगों को भी बी माइनस माइनस बी से ए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ई इंटू डी आर, ठीक है। तो उसके बाद लैम्डा बाई भी होगा, ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग तो यहाँ पर जो है सीरीज फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हो, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन, 1 प्लस 1 बाई सी टू, 1 बाई सी थ्री। तो ये कैसे हो सकता है, देख लो, वहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो चार्ज है मतलब क्यू, वो सेम है, ठीक है, बट क्यू सेम है। अच्छा रुको, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, v1 by c1 इज इक्वल टू v2 by c2। ओके, सो इसके बाद यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर बोल सकते हैं, v1 इज इक्वल टू c1 by c1 plus c2 इंटू वी, एंड v2 भी सेम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग, और यहाँ पे v इज इक्वल टू v1 plus v2। तो v1 एंड v2 का वैल्यू पुट कर देंगे, v तो q by c होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, सो इसके बाद q by c2, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब इसका जो v2 है, v2 इज इक्वल टू v माइनस v1 होगा,
एंड यहाँ पर जो क्यू है वो सेम होगा, ठीक है, इधर भी सेम होगा। सो एंड देन एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल, मान लो ये एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जोड़ दिया है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी एन इज इक्वल टू सी बाई कैपिटल सी बाई स्मॉल एन होगा इन नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसके बाद पैरेलल में, पैरेलल के केस में आता है सी इज इक्वल टू सी एन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो इसके बारे में हम लोग देखो, यहाँ पर भी जो है भी सेम होगा, इस यहाँ पर भी सेम नहीं है, बट सीरीज में भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है, बट यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट में दो पॉइंट में दो यहाँ पर ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू, तो यहाँ पर क्यू वन बाई क्यू टू, क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है। सो इसके बाद आते हैं हम लोग क्यू वन क्यू टू, सेम प्रोसेस में हम लोग बोल देंगे सी वन बाई सी वन प्लस सी टू इंटू क्यू, एंड क्यू टू भी सेम होगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सी वी इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी, क्योंकि वी यहाँ पर सेम है पैरेलल का केस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू सी एन प्लस सी टू। तो जब एन नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल में कैपेसिटेंस सी जोड़ देगा, मतलब ये ऐसे 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 डॉट 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 ऐसे जोड़ देगा, तो उस केस में क्या होगा, मान लो और भी है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें सी एन इज इक्वल टू एन इन टू सी होगा, ओके। सो इसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम मान लो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो तुम लोग, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओएजे में तुमको बड़ा सा एक मिक्स्ड सर्किट दे देगा, तो वह सब बोलेगा तो कैपेसिटेंस क्या है, सी का वैल्यू रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो उस केस में कभी कभी होता है ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करता है, और यहाँ पर डब्ल्यू भी लिखा है, वो वेस्ट बंगाल नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ओके। तो यहाँ पर सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू सी थ्री बाई सी फोर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सी फाइव है और निकलेट होगा, क्योंकि यहाँ से करंट नहीं पास करेगा, ठीक है। तो ये ख़त्म कर दो इसको, पहले ही ख़त्म कर दो। तो उसके बाद हम लोग ये दोनों को हम लोग सीरीज में बोल सकते हैं, ये दोनों भी सेम। और इसके बाद हम लोग ये जो है हम लोग इसको पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो सी का कोई सर्किट में कोई रोल नहीं है, वो सी फाइव इजिकल टू तुम लोग बोल सकते हो सी फाइव इजिकल टू नूब, ओके। इस तरफ से मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में सी फाइव को नूब बोल देना पहले ही, ठीक है, सी फाइव को हटा दो। नेक्स्ट स्लाइड आ गया, तो यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहे हैं आफ्टर इंसर्टिंग डायलेक्ट्रिक स्लैब ई नेट इज इक्वल टू ई जीरो बाई के एंड वी डॉट इज इक्वल टू वी जीरो बाई के सी इज इक्वल टू सी के इंटू सी जीरो, अच्छा ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। अच्छा 17 नंबर में हम लोग आते हैं, 17 नंबर में क्या बोला, डिसकनेक्ट कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट में जो चार्ज है वो क्यू जीरो होगा, एंड फाइनल पॉइंट में मतलब क्यू आई इज इक्वल टू क्यू एफ ये होगा, ठीक है। यहाँ पर सी एफ सी आई इज इक्वल टू सी जीरो एंड सी एफ इज इक्वल टू के सी जीरो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। एंड वी आई इज इक्वल टू वी जीरो एंड वी फाइनल में वी जीरो बाई के होगा। और ये पार्ट भी देख लेना तुम लोग, जैसे कि वी आई इज इक्वल टू वी जीरो होगा, अच्छा ये क्या किया ना, यहाँ पर बैटरी रिमेनिंग कनेक्ट मतलब बैटरी को कनेक्ट कर दिया एंड डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड स्लोली अच्छा ये वी एफ बोला, वी एफ मत सोच लेना, ठीक है। मुझे कुछ
अच्छा यहाँ पर सी आई इज इक्वल टू सी जीरो एंड सी एफ इज इक्वल टू के सी जीरो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना ठीक है, व्हेन टू प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वी सेम इन बोथ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे एक नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, एक नंबर में क्या बोला है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बोला है इन दिस सर्किट शोन इन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री माइक्रो फेराट इज 10 वोल्ट, तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज स्टोरेज इन डिफरेंट कैपेसिटर, मतलब 4 माइक्रोफेराट 9 माइक्रोफेराट सब में चार्ज स्टोरेज फाइंड करना है। एंड इसके बाद फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई। ओके, तो पहले हम लोग को इसमें इस पार्ट में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा देखना पड़ेगा पहले। तो यह पर पैरेलल में है, पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, मतलब 9 + 3 = 12 माइक्रोफेराट, ये पर 12 माइक्रोफेराट है। और यह पर 5 + 1 मतलब 6 माइक्रोफेराट, 5 + 1 6 माइक्रोफेराट। ओके, तो ऐसे यह पर जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है वी को कैलकुलेट करना। ठीक है, मतलब यहाँ से वी को कैलकुलेट करना 4 माइक्रोफेराट एंड 6 माइक्रोफेराट यूजिंग 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को यूज़ करके इसमें ये V1 एंड V2 फाइंड करना है। तो पहले हम लोगों को V1 का केस में क्या होगा, V1 का केस में 4 माइक्रोफेराट जो है, 4 माइक्रोफेराट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 12 माइक्रोफेराट। तो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 10 × 3 यानी कि 30 वोल्ट। तो ये कैसे हुआ, तो इसमें बिकॉज 4 माइक्रोफेराट इज 1/3 ऑफ 12 माइक्रोफेराट एंड V1 इज थ्राइस ऑफ 10 वोल्ट। ओके, सो 30 वोल्ट। एंड यहाँ से भी V2 का केस में 6 = ½ ऑफ 12 यानी कि 2 × 10 मतलब 20 वोल्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं E = V1 + V2 + 10, V1 30 प्लस V2 20 वोल्ट, 20 + V2 20 एंड 10 तो पहले से ही दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 60 वोल्ट। सो देखो यहाँ पर 10 वोल्ट की होगा, 10 वोल्ट पैरेलल का केस में ये दोनों साइड, इसमें बोल दिया 10 वोल्ट यानी कि इस दो साइड तो एक ही पार्ट में जुड़ा हुआ, और मतलब 3 माइक्रोफेराट और 9 माइक्रोफेराट का दो साइड एक जगह पे जुड़ रहे, तो इस पॉइंट में वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस 10, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। सो यह से इस केस में 10 वोल्ट होगा। ओके, तो यह से इसके बाद क्या बोला है, चार्ज स्टोरेज इन डिफरेंट यानी कि Q1 = V1 मतलब V1 मतलब 30 × 4 यानी कि 120 माइक्रो कूलम होगा। तो यह से Q4 और इसके बाद Q9 क्या होगा, Q9 होगा 9 × 10 यानी कि 90 माइक्रो कूलम। सो
ऐसे बाकी दो जो है, थ्री के केस में 30 होगा एंड फाइव में हम लोगों को 5 × 20 यानी कि 100 माइक्रो कूलम होगा। एंड यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 1 × 20 यानी कि 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम मॉक टेस्ट जो हुआ था, वाई जी मॉक टेस्ट, उसमें दे दिया था यह एक क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड ए एंड बी एंड अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ऑल कैपेसिटेंस आर ऑफ कैपेसिटेंस सी। सो यहाँ पर जो है देख लो, फर्स्ट केस में यहाँ पर जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि देखो यह से ऐड किया और फिर यह इसको यह से लेके ये कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये नूब, ये जो कैपेसिटेंस है ये नूब है। ठीक है, और देखो इसके बाद अच्छा इस ये तो ऐसे हो गया मान लो। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, फिर ऐसे हो जाए तो ये दोनों भी कट जाएगा, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये दोनों भी सेम नूब है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक पैरेलल में और इसके बाद सीरीज में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये 1 2 3 4 यानी कि सी बाई फोर होगा पैरेलल में, किस में 1/C + 1/C + 1/C × 4 वन बाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/C × 4 होगा, यानी कि सी डॉट इज इक्वल टू सी बाई फोर होगा। ठीक है, तो यह से सी बाई फोर प्लस यह से क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है यानी कि सीरीज में है, यानी कि सी बाई टू होगा, ये सी बाई टू एंड ये सी, मतलब सी बाई टू प्लस सी क्या होगा, 3C/2। अच्छा 3C/2 मतलब 4C/2 प्लस ये 1/C रिजल्टेंट है, क्या होगा, ओके तो सी रिजल्टेंट क्या होगा, 3C/14 यानी कि दूसरा वाला जो है वो करेक्ट है। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, तीन नंबर क्या बोला है, दी अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन फिगर। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल एट ओ पॉइंट में हम लोग भी वोल्टेज भी देख लेते हैं, और यह से हम लोग बोल सकते हैं 3 and 3/11 ये दोनों आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस दोनों में से एक होगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो पहले हम लोगों को 60 देखो, पहले Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, Q1 मतलब यहाँ पर Q1 Q2 और इसमें Q3, तो Q1 क्या होगा, C1 × V1 60 μF × V-6 होगा। ठीक है, V-6 प्लस Q2 क्या होगा, Q2 चाहे ये प्लस है और ये माइनस है कैपेसिटर का। ठीक है, और Q2 क्या होगा, Q2 यह से बोल सकते हैं Q2 इज इक्वल टू 20 μF × V-2
प्लस, या से तीन नंबर का केस में 30 माइक्रो फेराड इंटू वी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, पहले हम लोगों 20 क्रॉस कर दिए तो 3v-3 प्लस v-2 प्लस, अच्छा पहले हम लोग 6 2 एंड 3 v-3, तो क्या होगा 11v इजिकल टू 36 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि यहाँ से 49 होगा और भी इजिकल टू 49/11, तो 49/11 वोल्ट इसका आंसर ये होगा। ठीक है, सो इसके बाद आते हैं और आज का लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या बोला है, पोटेंशियल भी माइनस वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी तो इस केस में है, अच्छा इसमें वी माइनस वी बी ठीक है, तो वी माइनस वी बी तो यहाँ से पहले हम लोग वी ए माइनस वी बी, ये जो रूल था वोल्टेज रूल वो यूज़ करने वाला हो, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली वी ए माइनस वी बी माइनस 6 होगा, माइनस नहीं ये, अच्छा ये माइनस होगा, ठीक है माइनस 6 होगा प्लस 9/1, ए 9 मतलब भी इक्वल टू क्यू बाई सी, ओके तो इक्वल टू 3 × 2 होगा प्लस 3 × 3 होगा, 3 × 2 क्यू, यहाँ पर 6/2 इक्वल टू 3 एंड इसमें जो आई का वैल्यू है आई इजिकल टू 3 एम्पियर है, ओके सो यहाँ पर 3 हो रहा है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इजिकल टू 6 + 9 - 6 + 9, ओ सॉरी यहाँ से 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18, अच्छा यहाँ पर 9, अच्छा 6 + 9 + 6 - 9 होगा, इससे कैलकुलेशन यहाँ पर गलती कर दी। ठीक है, इसमें से क्या होगा, ये 9 9 कट जाएगा, ये 12 वोल्ट आंसर होगा, मतलब एक नंबर का। तो आज के लिए यही पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये तो चैप्टर पूरा कवर कर दिया मेरा, जो इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, ठीक है ये दोनों को मैंने कंप्लीट कर दिया, फिजिक्स का जो पार्ट था। अब हम मैथ, इसके बाद मैथ चैप्टर में जाएंगे, मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, ठीक है उसमें नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।